जिस दिन उसको अपने लिए घाटा से मन में आएगा ना, वो ना गुरु मानेगा, ना संत मानेगा, ना प्रिय मानेगा, ना पूज्य मानेगा। ऐसा के लिए उसकी काम के ले रहे तो भगवान उठा ले, काम के हो तो आए भगवान, इतने निर्दयी तुमने क्यों ले लिया। ये संसार का स्वरूप है। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इस सांसारिक मोह माया की दुनिया में जब हम किसी व्यक्ति विशेष से अटैच या बंधन में बन जाते हैं और उसी के साथ अपने सुख की अनुभूति करते हैं, पर जब वही व्यक्ति विशेष हमें दुख पहुंचाता है या हमें छोड़कर चला जाता है, वो उस स्थिति में हम उस व्यक्ति विशेष को कैसे भूल पाए और अपने मन को स्थिर रखकर भगवत जप नाम में चित्त को कैसे लगा सकते हैं महाराज जी? कैसे इसी का नाम आसक्ति है, जो आप कह रहे हैं उसी का नाम आसक्ति है। आसक्ति होना सहज है पर आसक्ति छोड़ना बहुत कठिन है। हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान आदि में जो सुख का अनुभव करने के लिए आसक्ति करते हैं वो अज्ञान है, अज्ञान के कारण ही है, क्योंकि सुख तो भगवत स्वरूप है। किसी नशे के अधीन कर देना, किसी व्यक्ति के अधीन कर देना, किसी भोग के अधीन कर देना, ये अज्ञान के कारण ही तो होता है। तो सुख भगवान में है ये पता नहीं है हमें, हमें लगता है सुख भोगों में है। और भगवान ने इस पूरे संसार को रच के ये पोस्टर लगा दिया, दुखालयम अशाश्वतम, गीता जी में कहा इसमें दुख ही दुख भरा है और अशाश्वतम, यहाँ कुछ टिकाऊ नहीं है, सब परिवर्तनशील, सब नाशवान। आज तुम्हें कोई प्यार से गले लगाएगा, कल वही तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं, जब तुम उसके काबिल नहीं रह जाओगे। या नवम नवम, मन का क्या कार्य क्या है, नवम नवम, छोड़ो अब नया सुधार करो, प्रभु का नाम जप करो और प्रभु से प्रार्थना करो। देखो हमारी मांगे क्या है, हमें कोई सुंदर रूप मिले, सुंदर रूप टिकाऊ होना चाहिए, और मेरा वो मित्र हो ऐसा जो मेरे लिए प्यार करे, केवल मेरे लिए प्यार करे, और मैं कभी उससे बिछड़ू ना, और वो सदैव मुझे सुख देता रहे। ये सबके मन में है, सबके मन में है, पर सही दिशा ना होने के कारण हम उसे धन मान लेते हैं, हम उसे पुरुष मान लेते हैं, उसे स्त्री मान लेते हैं, वस्तु मान लेते हैं। ये सारी की सारी बातें भगवान में है, उनका रूप अविनाशी, और एक बार जिसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं उसे कभी छोड़ते हैं।